हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो 10th क्लास साइंस का छठा लेसन चल रहा है, जिसका एपिसोड है आज पांचवां। इसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। पिछले एपिसोड्स में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पहले हमने पढ़ी संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया, दूसरी हमने पढ़ी विघटन या अपघटनीय अभिक्रिया, तीसरी हम पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया बच्चों? इधर समझें कि ये मेरे पास एक क्रियाकारक था, जिसके अंदर ए और बी आपस में जुड़े हुए थे। ए और बी आपस में जुड़े हुए थे, ये एक क्रियाकारक था। क्रियाकारक, या इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। इसकी अभिक्रिया अगर मैं किसी तीसरे अभिक्रियाकारक से किससे करवा दूं? सी से करवाऊं। किससे करवाऊं? सी से। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि सी जो है ना, जो सी है वो इस ए को हटा देगा और खुद यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उत्पाद क्या बन जाएगा? अभिक्रिया क्या होगी? किस तरीके से उत्पाद बनेगा? उत्पाद बनेगा हमारे पास कि ये जो सी है वो ए को हटा देगा और यहां पर आ जाएगा सी। ठीक है, सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बी। ठीक है, और अपने पास ये जो ए है वो हट करके हो जाएगा अलग। ये हुई अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अगर आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि एक अभिक्रिया, ये जो एक अभिकारक है ये दूसरा अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। ठीक है, ये एक अभिकारक है। अभिकारक या क्रियाकारक दोनों लिख सकते हैं अपने। तो इसने क्या किया कि एक अभिकारक का ये परमाणु आया और इसने दूसरे अभिकारक के परमाणु को हटा करके खुद जुड़ गया। इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इजी भाषा में समझ रहे हैं? तो ये है बच्चों कि एक स्टूल के अंदर आप, एक स्टूल है लंबा और उस पर आप चार जिने बैठे हो। ठीक है, एक जिना आया और उसने क्या किया कि जैसे आपके पास ये स्टूल पड़ा था क्लास के अंदर, और इस तरीके से इसके अंदर, इस पर, इसके ऊपर चार जने बैठे थे। ठीक है, लेकिन एक जना और आया और उसने आकर के क्या कहा? उसने आप करके इसको कहा कि आप में से एक जने को कहा कि तू खड़ा हो, मैं यहां पे बैठूंगा। ठीक है, तो इसको खड़ा करके, जैसे मान लो ये चार जने मैं ऐसे बढ़ा लूं कि यहां पर था, ये चौथा जना यहां पर इस तरीके से था और ये आया। ठीक है, इसने क्या किया कि ये थोड़ा तकड़ा था। तकड़ा मतलब इस तरीके ऊपर मैं ऐसे लाइन बना देता हूं कि इसने यहां पर आया और इसको कहा कि तू खड़ा हो, मैं बैठूंगा, तो इसको हटा करके ये आकर के यहां पे बैठ गया। ठीक है, यहां आकर के बैठ गया, ये लो इस तरीके से ये बैठ गया इसके ऊपर, इस तरीके से ये मोटा बना रखा है अपनों ने इस तरीके से। ठीक है, और जो यहां पर था उसको क्या कर दिया? हटा दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सुने, अब परिभाषा बोल रहा हूं मैं कि किसी एक अभिकारक का परमाणु, या यहां पर परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा परमाणु भी हो सकते हैं, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा करके स्वयं जुड़ जाए, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी परिभाषा लिख लें पहले कि यदि, या वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें आपको ये परिभाषा लिखनी, क्योंकि पेपर में आपको 10th क्लास में ये परिभाषा आएगी, वह अभिक्रिया जिसमें किसी, कोई एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह, या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के, ये एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह था, ये क्या करेगा? इस दूसरे अभिकारक, ये दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु परमाणुओं के समूह दूसरे अभिकारक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के समूह को
हटाकर स्वयं जुड़ जाए, स्वयं जुड़ जाए, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषा है, आपको रटने नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ रही है कि एक अभिकारक था, इसका परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा करके, ये देखो ए को हटा दिया, खुद जुड़ गया, हटा करके स्वयं जुड़ जाए तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। चलो अब मैं इसको साफ करता हूं बच्चों, देखो ये लो, इसको कर दिया साफ। यहां पर मैंने एक चीज बनाई है, ये देखो कि मैंने इसको रेड बनाया है, इसको ब्लैक और इसको रेड बनाया है। मतलब रेड जो है रेड को ही हटा रहा है, रेड ब्लैक को नहीं हटा रहा। ऐसा नहीं होगा कि ये बी को हटा करके सी यहां पर जुड़ जाए, नो, सी जो है ए को ही हटा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अगर धातु है तो धातु जो है धातु धातु का ही विस्थापन कर सकती है। यहां पर एक लाइन समझेंगे, धातु धातु का ही विस्थापन, विस्थापन मतलब हटा करके जुड़ना कर सकती है। ठीक है, अगर ये धातु है, ये भी धातु है, तो ये धातु ही धातु को हटा सकती है। ये बी क्या है हमारे पास, ए धातु, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि इन अभिकारकों में ये मेरे पास क्या है, ए है धातु और सी भी क्या है, धातु परमाणु है, तो धातु धातु को ही हटा सकता है। धातु जो है ये जो जुड़ा हुआ है ये है ए धातु, तो ये धातु जो है ए धातु को नहीं हटा सकता। ठीक है बच्चों, कि जो लड़ाई होगी ना, जो टक्कर होगी वो किस किस में होगी, जो एक जैसे होंगे, अगर धातु धातु के बीच में होगी तो धातु धातु को हटा सकता है, ए धातु को नहीं हो हटा सकता। अगर यहां पर ये ए धातु होता तो इसकी लड़ाई धातु से नहीं हो सकती, धातु तो ये तो रहता ही रहता, ये फिर किसको हटा सकता था, फिर बी को हटा सकता था। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्या होगा कि जो ए धातु होगा ना बच्चों, वो ए धातु का ही विस्थापन कर सकता है। मतलब लड़ाई जो होगी वो एक जैसों में होगी, धातु और धातु में होगी, ए धातु और ए धातु में होगी, धातु धातु को हटाएगा, ए धातु को हटाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझनी है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए अभी अपनों ने ये लाल लाल दोनों क्या बनाए हैं, धातु और ये है ए धातु, इसलिए सी ए को ही हटा रहा है, सी बी को नहीं हटा सकता, क्योंकि धातु धातु को ही हटा सकता है, तो ये अभिक्रिया होगी बच्चों। अगर धातु धातु को हटाए तो इसको धातु विस्थापन अभिक्रिया कह देंगे, और ए धातु को हटाए तो उसको अपने ए धातु विस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। ठीक है, टेंथ में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बात बता दी उतना बहुत है, इतना ही समझ लो, ये भी बहुत अच्छा है। अब आप देखो कि ये सी जो है इसको क्यों हटा सकता है, ये मान लो ये दोनों एक टेबल पर बैठे थे और सी आकर के इसको उठा करके कहे कि तू यहां से खड़ा हो, मैं बैठूंगा, ये कब उठा सकता है, जब ये क्या हो, ज्यादा तकड़ा, ये तकड़ा क्या हो, ज्यादा, अगर ये ज्यादा कमजोर हुआ और ये तकड़ा हुआ तो ये इसको नहीं हटा सकता। और ज्यादा तकड़े को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील, क्या कहते हैं बच्चों, अधिक क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील परमाणु होगा वो कम क्रियाशील को हटा सकता है, कम क्रियाशील को हटा सकता है, जो ज्यादा तकड़ा होगा वो कमजोर को हटा सकता है, लेकिन यहां पर अगर मजबूत तकड़ा हो और ये कमजोर हो तो ये इसको हटा नहीं सकता। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातु या अधिक क्रियाशील परमाणु जो होगा वो कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो इसका मतलब अब तो ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये उसको उठा करके पटक देगा, इसको उठा करके साइड में पटक देगा और खुद जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये कम क्रियाशील होता और ये ज्यादा क्रियाशील होता तो ये आता, इसको पटकने की कोशिश करता, ये पटक ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि ये क्या था, अधिक क्रियाशील था। ठीक है, इसलिए सी इसको ना हटा पाता। तो ये बात आप समझ लेना बच्चों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इसका एक उदाहरण बताता हूं, देखो मैं इसको साफ कर लेता हूं, गौर करो, देखो ये, चलो बच्चों इतनी बात होगी कि कौन किसको हटा सकता है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा सकता है, कौन किसको हटाएगा, धातु धातु को हटाएगा, ए धातु को हटाएगा। ठीक है, अब आप समझो कि मेरे पास एक अभिक्रिया है,
जिसके अंदर में जिंक की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाता हूं। कॉपर Cu, सल्फेट होता है बच्चों SO4, ठीक है, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो, आपको ये छोटी छोटी चीजें सारी सीखनी है। इसका नाम क्या है? जिंक। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब इन दोनों में अभिक्रिया करवाएगी। जिंक क्या है बच्चों? धातु है, ठीक है। और इधर धातु कौन सी है? कॉपर। कॉपर धातु होती है, आपने सुना हुआ है कि कॉपर क्या है? धातु। सल्फेट क्या है? अधातु। अगर इनमें अभिक्रिया होगी तो पहले मुझे बताओ कौन किसको हटाएगा? जिंक जो है वो किसको हटाएगा? कॉपर को हटाएगा, ठीक है। देखते हैं हटा सकता है या नहीं हटा सकता। तो हम ये जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि जो जिंक धातु है ना, वो बच्चों क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। कैसी होती है? अधिक क्रियाशील होती है। किससे? कॉपर से। तो कॉपर क्या होती है? कम क्रियाशील, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि कॉपर को जिंक हटा सकता है या नहीं हटा सकता, बताओ फटाफट। आपने सोच लिया, देखो पता लग गया हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो अधिक तो कम वाले को हटा सकता है, अभी अभी सीखा था हमने, ठीक है। तो हटा देगा, तो ये इसको हटा करके खुद जुड़ जाएगा। जिंक और SO4 तो है ही साथ में, और कॉपर जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक ने कॉपर का विस्थापन कर दिया है, मतलब इसको हटा करके खुद जुड़ गया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील था और कॉपर कम क्रियाशील था। अब आप देखो बच्चों कि अगर ऐसा होता कि यहां पर जिंक सल्फेट होता ZnSO4 और आप इसकी अभिक्रिया कॉपर से करवाते, तो कॉपर तो क्या है बच्चों? कम क्रियाशील, और जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो मुझे बताओ कि अब कॉपर जिंक को उठा करके खुद बैठ सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कम तकड़ा ज्यादा तकड़े को नहीं हटा सकता, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ये इसको हटा नहीं सकता, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होती। इन दोनों में अभिक्रिया नहीं होती, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन ये हो सकती है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, ये इसको हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। चलो बच्चों ये बात भी हमने सीखी। चलो इसको ना मैं एक और तरीके से समझाता हूं, गौर करना। ये सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स बनाते रहे बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि मैंने एक पात्र लिया, ये एक पात्र लिया है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर का बना दिया, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ब्लू है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो कि कैसे रंग का है? नीले रंग का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर दो आप बच्चों? जिंक का टुकड़ा डाल दो, जिंक का टुकड़ा, ठीक है। जिंक के टुकड़े में जिंक होगा, ZN, जिंक कैसा होगा? ZN, ये आपने डाल दिया। अब क्या हो जाएगा कि अब अपने पास ये रहा पात्र, और इसके अंदर जब आपने जिंक का टुकड़ा डाल दिया है तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से जिंक का टुकड़ा डाल दिया ना, तो ये जो नीला रंग था ये नीला रंग नहीं रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके का रंग हो जाएगा, ये नीला रंग जो है उड़ जाएगा। जैसे जिंक का टुकड़ा डालोगे नीला रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्यों नीला रंग उड़ जाएगा? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जिंक डालोगे, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा करके यहां पे क्या बना देगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 बना देगा, और कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। तो ये नीला रंग किसकी वजह से था? कॉपर सल्फेट की वजह से। यहां पर तो कॉपर सल्फेट है ही नहीं, अकेला कॉपर पड़ा है, ये तो जिंक सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है ही नहीं, तो यहां पर नीला रंग रहेगा भी नहीं, तो हम कहेंगे कि नीला रंग क्या है? उड़ जाता है, नीला रंग उड़ जाता है,
तो ये बात आपको समझनी है बच्चों, क्योंकि कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन पड़ा था, आपने इसके अंदर जिंक का टुकड़ा डाला तो ये नीला रंग उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट के कारण नीला रंग था और जिंक आ गया तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट का नीला रंग नहीं होता इसलिए नीला रंग उड़ जाएगा। तो ये बात भी आप समझ लें बच्चों। चलो, अब आपने ये सारी चीजें सीखने के बाद में एक बात दिमाग में आ गई कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि कौन तकड़ा है कौन कमजोर है तो मैं ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा तकड़ा है कौन कमजोर है? तो इसके लिए मैं एक आपको ये नोट कर लेना बच्चों आप। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कौन ज्यादा तकड़ा है कौन कमजोर है। इधर क्या गौर करें आप, ये लो आपको एक कहानी याद रखनी, कहानी का मांगे जान फिर प्रभु प्रभु है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा ज्यादा लंबी श्रेणी बनानी। देखो, कहानी का मांगे जान फिर प्रभु है, क्यों हज आज आऊं। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, कनिका मांगे जान फिर प्रभु है क्यों हज आज आऊं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क फोर है हमारे पास पोटेशियम, न फोर सोडियम, का फोर कैल्शियम। ठीक है, मांगे एम जी, जान जेड एन, फिर एफ ई, प्रभु पी बी है हाइड्रोजन, क्यों सी यू कॉपर, हज एच जी जिसको अपने कहते हैं मरकरी, आज ए जी मतलब सिल्वर, ए आऊं ए यू मतलब गोल्ड, गोल्ड ए यू किसका प्रतीक है? सोने का ए यू। ठीक है, सोना। ये जो सारे तत्व है ना, ये इनकी क्रियाशीलता का घटता क्रम है। क्रियाशीलता का क्या है? क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। क्या मतलब है? कि ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये कम और कम और कम और कम और कम, ये घटता क्रम है क्रियाशीलता का। ठीक है, तो अब क्रियाशीलता का घटता क्रम है तो पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा क्रियाशील है, ये ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील है नीचे वाले कम क्रियाशील है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इससे नीचे वाले तो क्या है बच्चों? कम क्रियाशील है, ये वाले तो बहुत कम क्रियाशील है। ठीक है, और ये वाले जो है वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम ये सारे क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये तो बिल्कुल एयू तो अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु है मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, अक्रिय धातु है एयू। तो ये इनकी क्रियाशीलता का घटता क्रम हो गया बच्चों, कि आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये नीचे वाले कम क्रियाशील होंगे, ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील होंगे। हाइड्रोजन से नीचे वाले इनको कम क्रियाशील मानते हैं, ऊपर वालों को ज्यादा क्रियाशील मानते हैं, लेकिन इनका भी आपस में ये घटता क्रम है। ठीक है, मतलब अगर किनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने अभी जैसे यूं कर दूं कि मैं कॉपर सल्फेट का नीला रंग था, इसमें मैं लोहे की कील डाल दूं, एफ ही क्या होता है बच्चों? आयरन, लोहा, इसकी कील डाल दूं, तो देखो एफ ही ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ये अधिक क्रियाशील हुआ ये कम क्रियाशील हुआ, तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को घटा देगा तो एफ ही एसओ फोर बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में अगर लोहे की कील डाल दी जाए, ये हमारे पास लोहे की कील है, ये लोहे की कील इसके अंदर डाल दी जाए तो इस कॉपर सल्फेट का नीला रंग उड़ जाता है और ये भूरा रंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट जो है वो आयरन जो है वो इसके कॉपर को हटा करके खुद जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना देगा, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता
है, इसलिए जो है इसका नीला रंग उड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी आपको सीखनी है। इसी तरीके से अगर आप किसी और की भी अभिक्रिया करवाना चाहो, मान लो मैं अभिक्रिया करवाना चाहता हूं ए जी सी एन की ट्वाइस, ठीक है, माइनस, इसकी अभिक्रिया मैं जिंक से करवाऊं तो जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है, एजी कम क्रियाशील है, या आपने ऐसे कर लो, शुरू सीधा कर लो कि ए जी सी एल की अभिक्रिया अगर मैं जेड एन से करवाऊं तो जेड एन जो है वो सी एल को, मतलब ए जी को हटा देगा और खुद सी एल के साथ जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे इस तरीके से दो दो लगा करके, तो जिंक क्या करेगा, ए जी को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, क्योंकि जिंक ऊपर है ए जी नीचे है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी से अभिक्रिया करवाओ कि मान लो आपने लिखा फेरस सल्फेट और इसकी अभिक्रिया कॉपर से करवाओ और कॉपर एफी को हटा दे, कॉपर कहां है, नीचे कम क्रियाशील है, एफी कहां है, ऊपर अधिक क्रियाशील है, ये इसको नहीं हटा सकता। तो इस तरीके से बच्चों ये हुई आपके पास विस्थापन अभिक्रिया, ये ट्रिक आप जरूर याद कर लेना, इससे आपको कई अभिक्रियाएं होने का पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद है आपने बढ़िया सीखा होगा। 10th क्लास के बच्चे जो है वीडियो कम देख रहे हैं, इसलिए मैं एक एक दिन का गैप डाल करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर आप भी ज्यादा देखने लग जाएंगे तो आपकी वीडियो भी रेगुलर डालने लग जाऊंगा। तो 10th क्लास के बच्चे जो भी वीडियो देखते हैं वो पहले अपना नाम और वो कहां से हैं वो जरूर लिख करके भेजें मुझे, ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा कि इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और मुझे उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।